मेरे प्यारे भाइयों और मेरे अजीज दोस्तों, बोकोड़ वाला भाव इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत बार जो बकरा पालक है उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और पूछा था कि सर, हमारे बकरे कई बार कैसा होता है कि चारा नहीं खाते। तो उन्हें जो कोई उनकी रूटीन है, मतलब चारे पे दोबारा लाने के लिए ऐसा कोई तो इलाज बताइए जिससे कि हम अपना घरेलू उपाय करके उनको फिर से अपने खुराक पे ला सके। दोस्तों, जब बकरे बीमार होते हैं यानी कि उनका जो कहे हजमा है, हजमा ख़राब होता है या उनका पेट फूलता है, उसको हम आफरा भी बोलते हैं कई बार, तो ऐसा जब भी होता है ना, तब बकरे चारा खाना कम कर देते या चारा खाना छोड़ देते। ये सबसे पहली बात हमारे ध्यान में आनी चाहिए जब बकरे चारा छोड़ दे तब। और कई बार क्या होता है दोस्तों, पता है क्या, कि हम जो कुछ डिवर्मिंग करते हैं उनको हर 3 महीने में, वो डिवर्मिंग एक आधी हमारी छूट जाती है बीच में, या हमको ध्यान पड़ जाती है कि बकरे को डिवर्मिंग करना रह गया है, या हम उनको डिवर्मिंग करते नहीं, तब उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। और वो जो कीड़े ना, वो कीड़े उनको परेशान करते, इधर उधर उछल कूद करते हैं और बकरे को परेशान करते। तब उस परेशानी से तंग आकर बकरे चारा खाना छोड़ देते हैं, एक जगह पे चुपचाप बैठ जाते, या उनके मुंह में छाले पड़ना, या उसको बकरे को गैस की तकलीफ होना, या फिर जो कुछ उनका चारा है उनको चारे में अचानक से बदल कर देना। इन वजह से बकरे भी चारा खाना कम कर देते या छोड़ देते, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। या फिर उनके मुंह में कौन सी तो काटा वगैरह चुभ जाना, ऐसे जो कुछ प्रॉब्लम आते हैं ना, सबसे पहले हमें चेक करना है कि बकरा चारा क्यों नहीं खा रहा है। अगर बकरे को दूसरा कोई प्रॉब्लम है, मतलब उसको FMD हो गया, या उसके मतलब FMD मतलब फूट एंड माउथ डिसीज, देखो यहाँ पे छाले हो जाती है मुँह पे, अगर वैसी प्रॉब्लम आई है ना, तभी बकरे के चारा खाना छोड़ देते, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, ऐसी प्रॉब्लम हो तो उनके जो छिलके निकाल लेना है, और अपना जो हल्दी आता है, हल्दी और नमक मिक्स करके अच्छा सा फेंट के उधर लगा देना है, तो वो अच्छा हो जाता है। अगर बकरे को गैस की तकलीफ है तो हम क्या कर सकते हैं उसको, बराबर है, उसको आप 1 कप कोरी चाय पिला दीजिए। अपन जो चाय पीते हैं ना, वो चाय बकरे को पिला दीजिए, उससे क्या होगा कि बकरे की गैस पास हो जाएगी और उसको गैस की तकलीफ से राहत मिल जाएगी। और अगर उसका हाजमा ख़राब है तो उसका हाजमा ठीक करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, 1 कप ताज़ा दही लेना है, उसके बाद 1 प्याज लेना है, मीडियम साइज़ का प्याज लीजिए, 1 चम्मच काला नमक जो आता है, 1 चम्मच काला नमक लीजिए, और ये जो कुछ मिश्रण है उसको अच्छे से मिक्सी में पीस के उस बकरे को पिला दीजिए, उससे भी उसका जो हाजमा है, हाजमा ठीक हो जाएगा। एक ये जो मिश्रण बताया ना, ये लीवर टॉनिक का काम करता है, अगर उसके लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको ठीक करने का ये काम करता है। लेकिन एक ऐसा है दोस्तों, घरेलू नुस्खे, बराबर है, थोड़े टाइम के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिन हो गए आपके बकरे के हाजमे को ख़राब होके, या बकरे का चारा का खुराक होके, तो आप सीधे सीधे डॉक्टर को फ़ोन लगाइए, उनको बुला लीजिए कि हमारा बकरा खाना नहीं खा रहा है। कई बार क्या होता है, बकरों को अगर पेट की समस्या आ गई, मतलब पेट में कुछ गड़बड़ हो गई उसके, या खाने से कुछ उसको विष बाधा वगैरह हो गई, तो वो जो बकरा है ना, वहाँ पे खाना छोड़ देता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो अपन जो बोलते पतला होने लगता है, और वेट तोड़ने के बाद वो बकरा एक दिन ऐसा आता है कि बकरा मर जाता है। इसलिए ये जो तकलीफ है ना, अगर हम घरेलू नुस्खे यूज़ करके ठीक कर सकते, तब तक कितना दिन, अगर 1 दिन 2 दिन हमें जब तक पता है तब तक आप दीजिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप सीधा सीधा डॉक्टर को बुला के उसको इंजेक्शन या दवा दवाई जो कोई वो कर लीजिए। दोस्तों, कैसा है पता है, अगर आपका बकरा 10-15 हज़ार में बिकने वाला है, तो उस पर कम से कम 400-500 रुपये खर्च करने में हमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर हम 400-500 रुपये देखेंगे तो हम 15 हज़ार का बकरा ना गवा देंगे। इसलिए क्या करना है, उसको तुरंत इलाज कर लेना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपना बोकोड़ वाला भाऊ इस यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।